जैक। कहानियां हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। बचपन से लेकर हमारी आखिरी सांस तक कहानियां हमारे साथ होती हैं और फिल्म्स इन्हीं कहानियों को एक जिंदा शक्ल देती है। पर सवाल ये भी उठता है मन में कि हम कैसे पर्दे के उस पार जा सकते हैं और वो रास्ता कहाँ है जो हमें हमारे फिल्म मेकिंग के सपने तक लेकर जाएगा। तो वो रास्ता है फिल्म स्कूल। फिल्म मेकर्स को भी ज़रूरत है प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन की, क्योंकि ये एजुकेशन हमें इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा हेड स्टार्ट देती है। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए टुडे वी प्रेजेंट द टॉप 4 फिल्म इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एज पर आवर सर्वे। बट बिफोर दैट लेट्स रोल आवर इंट्रो फर्स्ट। तो पहले नंबर पर है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। दोस्तों, इंडिया में फिल्म स्कूल का अगर कोई मक्का है तो वो ये है, इससे ऊपर कुछ नहीं। 1960 में पुणे में प्रभास स्टूडियोज के प्रमाइसिस में स्कूल की स्थापना हुई और तब से आज तक इंडस्ट्री को स्कूल ने बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस दिए हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, शबाना आजमी, राजकुमार हिरानी, ऑस्कर विनर रसल पुकुटी और भी कई अनगिनत नाम हैं स्कूल की शानदार एलुमनाई लिस्ट में। FTII एक सिलेक्ट का मेंबर है जो कि इंटरनेशनल एसोसिएशन है वर्ल्ड के मेजर फिल्म और टेलीविजन स्कूल्स का। दोस्तों, दुनिया में 3000 से ऊपर फिल्म स्कूल है पर सिलेक्ट ने सिर्फ 160 फिल्म स्कूल्स को अपना मेंबर चुना है। फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कई बार इस पे सवाल उठ चुके हैं, फिर भी ये कॉलेज बहुत ही अकम्प्लिश्ड है। शूटिंग के लिए 2 फिल्म स्टूडियो फ्लोर्स, हाई एंड कैमरास, लेटेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कलर ग्रेडिंग सेटअप्स और लेटेस्ट साउंड इक्विपमेंट्स। दोस्तों, FTII का एक खुद का FM स्टेशन भी है, रेडियो FTII 90.4 FM। दोस्तों, यहां पर वीकली फिल्म स्क्रीनिंग्स भी होती हैं। दोस्तों, इस कॉलेज के फिल्म विंग में कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे एक्टिंग, डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन। उसके साथ ही टेलीविजन विंग्स के बहुत से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। कोर्सेज और एडमिशन की अधिक जानकारी के लिए आप FTII के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नंबर 2 इंस्टीट्यूट पर, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता। कोलकाता में स्थित लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे के नाम पे आधारित सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना 1995 में की गई। ये इंडिया में बनाया गया सेकेंड नेशनल सेंटर ऑफ सिनेमा एजुकेशन है। इस कॉलेज की एलुमनाई लिस्ट भी शानदार है, जैसे कानू बहल डायरेक्टर, प्रीतम दास साउंड डिजाइनर, सिद्धार्थ दीवान डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, नम्रता राव एडिटर और भी कई मशहूर नाम जो आज की डेट में इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। FTII के बाद SRFTI भी एक सिलेक्ट अप्रूव्ड कॉलेज बना। फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये कॉलेज वेल इक्विप्ड है। शूटिंग के लिए फिल्म स्टूडियो फ्लोर्स, एरी कैमरास, लेटेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एनिमेशन स्टूडियो एंड लेटेस्ट साउंड इक्विपमेंट्स जैसी सारी फैसिलिटीज यहाँ उपलब्ध हैं। यहाँ वीकली फिल्म स्क्रीनिंग्स भी होती हैं। जहाँ तक कोर्सेज की बात आती है तो FTII की तरह फिल्मिंग में SRFTI में भी डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिजाइन, प्रोड्यूसिंग के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। उसी तरह टीवी विंग में भी कई कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। कोर्सेज और एडमिशन्स की अधिक जानकारी के लिए आप SRFTI के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे लिस्ट के नंबर 3 कॉलेज पर, विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, मुंबई। FTII और SRFTI के बाद अगर कोई फिल्म स्कूल है जो इंडिया में हाईली रिप्यूटेड है तो वो विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल है। मुंबई के दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी यानी फिल्म सिटी में स्थित ये फिल्म स्कूल फिल्मिस्तान के दिल में बनाया गया है। मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई ने इस स्कूल की स्थापना 2005 में की। विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल भी SRFTI और FTII के बाद फर्स्ट नॉन गवर्नमेंटल इंडियन इंस्टीट्यूट बना जो कि सिलेक्ट से अप्रूव्ड हुआ और वो इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूट बना जिसने सिलेक्ट वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में इंडिया में होस्ट किया। अगर एलुमनाई की बात की जाए तो WWI एलुमनाई ऑस्कर विनिंग फिल्म्स जैसे लाइफ ऑफ पाई और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स का पार्ट रह चुके हैं।
कुछ एलुमनाई की बात की जाए तो मशहूर डायरेक्टर शशांक खेतान, एक्टर्स अनिल मांगे, साहिल वैद, दिव्यांग ठक्कर, एडिटर नितिन बैद और भी बहुत से एलुमनाइज जिन्होंने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे रीजनल और टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना लोहा जमाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज के मामले में अगर बात की जाए तो ये कॉलेज FTII और SRFTII से कई मामलों में बेहतर निकलता है। इस कॉलेज का कोलैबोरेशन बेस्ट टेक जायंट से है, जैसे कि सोनी, रेड कैमरास, एप्पल, गूगल, अडोबी एक्सेट्रा। शूटिंग के लिए यहाँ पर 3 स्टूडियो फ्लोर्स हैं, हाई एंड रेड कैमरास हैं, लेटेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, VFX एनिमेशन लैब्स हैं और लेटेस्ट साउंड इक्विपमेंट्स है। वैसे इस कॉलेज का मेन अट्रैक्शन मास्टर क्लासेस हैं विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। कोर्सेज की बात की जाए तो ये कॉलेज फिल्म मेकिंग में कई कोर्सेज ऑफर करता है, जैसे कि एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, प्रोडक्शन, साउंड डिजाइन, VFX और एनिमेशन। कोर्सेज और एडमिशन की अधिक जानकारी के लिए आप WWI के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, एक मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आपको यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको अपनी जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर FTII और SRFTII से काफी ज्यादा है। हालांकि ये कॉलेज मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराता है। अब चलते हैं हमारे 4th और आखिरी कॉलेज पर, अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया हैदराबाद। दोस्तों, अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया हैदराबाद के दिल में स्थित है और इस कॉलेज की एक अद्भुत बात यह है कि ये एकमात्र कॉलेज है जो कि एक फिल्म स्टूडियो के अंदर बनाया गया है। इस कॉलेज की स्थापना 2011 में श्री अक्कीनेनी नागेश्वरा राव द्वारा की गई। अन्नपूर्णा हाल ही में भारत का 4th फुल मेंबर बना सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का। एलुमनाई सक्सेस की बात की जाए तो इस कॉलेज के बच्चे रीजनल इंडस्ट्री के साथ साथ बॉलीवुड में भी अपना पाव जमाना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि ये कॉलेज अन्नपूर्णा स्टूडियोज में निर्माण किया गया है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट मोशन पिक्चर और टेलीविजन प्रोडक्शन स्टूडियो है। साथ ही यहाँ पर 2 स्टूडियो फ्लोर्स हैं, शूटिंग के लिए लेटेस्ट कैमराज अवेलेबल हैं, वेल इक्विप्ड एडिटिंग स्टूडियोज हैं, लेटेस्ट साउंड इक्विपमेंट्स हैं और प्रीव्यू थिएटर्स भी। अन्नपूर्णा कॉलेज ऑफ फिल्म एंड मीडिया में फिल्म मेकिंग के कम्बाइंड कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कि डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन एंड एडिटिंग, डायरेक्शन एंड साउंड डिजाइन, डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन। साथ ही यहाँ 2-6 महीने के एक्टिंग कोर्सेज भी हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कोर्सेज और एडमिशन की अधिक जानकारी के लिए आप ACFM के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे इंडिया के टॉप 4 फिल्म इंस्टीट्यूट्स। दोस्तों, ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग फिल्मी कंटेंट के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल बैक टू फिल्म स्कूल को।